यूपी की मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस और विवाद गहरा होता जा रहा है। इस सीट से वर्तमान सांसद एसटी हसन मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सिंबल से नामांकन कर चुके हैं, तो वहीं इसी सीट से बतौर सपा उम्मीदवार रुचि वीरा ने भी पर्चा भर दिया है, जबकि पार्टी के वर्तमान सांसद एसटी हसन मंगलवार को ही नामांकन कर चुके थे। मुरादाबाद में मंगलवार को पूरे दिन कैंडिडेट बदले जाने की चर्चा रही, फिर बुधवार को खबर आई कि अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को नामांकन से रोक दिया है। माना जा रहा था कि अब विवाद थम जाएगा, एसटी हसन ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रुचि वीरा नामांकन के लिए पहुंच गई। उन्होंने नामांकन करने के बाद ये कहकर कंफ्यूजन बढ़ा दिया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। उनके कहने पर ही वो पर्चा भर रही हैं। सब लोगों का भाई बहुत धन्यवाद, और मेरा ख्याल है नॉमिनेशन कराना सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा ख्याल है नॉमिनेशन कराना क्योंकि एक समय की बाध्यता है, एक लिमिटेशन है, तो वो जरूरी है। उसके बाद आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं कुछ अफवाह उड़ी है, एसके हसन साहब कह रहे हैं अभी हमारा टिकट ऐसा कुछ है नहीं, कुछ तो बताइए थोड़ा किसका टिकट है, कौन ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे डॉक्टर साहब से पूछिए, मैं नॉमिनेशन के बाद अपनी। बता दें कि मंगलवार को रुचि वीरा का नाम सामने आने के बाद मुरादाबाद में सपाइयों ने विरोध किया था, उनके पोस्टर जलाए गए, इसके बाद रुचि वीरा को नामांकन से रोक दिया गया। लेकिन बुधवार दोपहर रुचि वीरा नामांकन के लिए अचानक कचहरी परिसर पहुंच गईं। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर एसटी हसन हमारे बड़े भाई हैं, सपा गठबंधन में हम ही प्रत्याशी हैं। हालांकि उनके नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष मौजूद नहीं रहे। एसटी हसन का टिकट कटने के बारे में पूछे जाने पर रुचि वीरा ने कहा, मुझे इस बारे में पता नहीं है, आप ये उनसे ही पूछिए। लखनऊ मुख्यालय से उनके नामांकन से रोके जाने के सवाल पर रुचि ने कहा कि मैंने नामांकन किया है, मुझे किसी ने नहीं रोका है। सूत्रों की माने तो रुचि वीरा सपा के कद्दावर नेता आजम खान के गुट में शामिल हैं। दावा है कि एसटी हसन पर स्थानीय नेताओं और आजम खान की नाराजगी भारी पड़ गई है। सूत्रों के अनुसार आजम खान मुरादाबाद सांसद एसटी हसन से खुश नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान एसटी हसन को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए नाराजगी जताई थी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एसटी हसन ने बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार को हराकर करीब 1,00,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में वो सीट पर कुंवर सर्वेश कुमार से हार गए थे। अभी एसटी हसन लोकसभा में सपा के नेता भी थे, उन्हें मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये जिम्मेदारी मिली थी। Thank you.